हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली फूड। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो ना सिर्फ टेस्टी बल्कि बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं पालक कॉर्न की रेसिपी। पालक कॉर्न या फिर मकई पालक बनाने के लिए हमें चाहिए पालक 1 केजी, स्वीट कॉर्न 50 ग्राम, तेल 3 से 4 बड़े चम्मच, 1 टमाटो की प्योरी, प्याज चॉप किए हुए, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, मिर्च 3 से 4, साबुत जीरा 1/4 छोटा चम्मच, 5 से 6 लहसुन की कलियां चॉप किए हुए, नमक स्वादानुसार, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, चीनी 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच और फ्रेश क्रीम 1/4 कप। सबसे पहले हम 1 केजी पालक को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और पार्ट वाइज उसे ब्लांच कर लेंगे। पालक को हमने अच्छे से यहाँ पे चुन लिया है और साफ भी कर लिया है। हमें बहुत ज्यादा देर तक पालक को गर्म पानी में ब्लांच नहीं करना। पालक के पत्ते बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, तो इसे हमें केवल 1 से 2 मिनट तक ही ब्लांच करना है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे 3 मिनट तक ब्लांच करें। तो देखिए, यहाँ पे पालक के पत्तों का कलर जो है वो अब टर्न होने लगा है। जैसे ही पत्तों का कलर डीप होने लगे, आप पत्तों को निकाल ले और एक बाउल में ठंडा पानी ले और उसमें पत्तों को डाल दे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इन पालक के पत्तों को हाथों से प्रेस करके इसमें से पानी निकाल लेंगे। हमें इन पालक के पत्तों का एक पेस्ट बनाना है और उसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। पालक के पत्ते पहले से ही पके हुए हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो पकाने के वक्त हमें इसे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसके वजह से पालक अपना कलर चेंज कर देगा। तो देखिए, इसी तरह से हल्के हाथों से दबाकर आपको पालक के पत्तों से पानी को अलग कर लेना है। अब हम इन पालक के पत्तों का एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमें इसे पेस्ट बना लेना है। इसमें हम थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पालक का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। डालेंगे 1/4 जीरा। जीरा को तड़कने देंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे 6 से 8 कलियाँ लहसुन की। लहसुन को हमने कूट लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैंने डाल दिया चॉप किए हुए प्याज। इसके साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 मिर्च कटी हुई। तो हमें यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है दोस्तों। हमें इसका कलर ब्राउन नहीं चाहिए, बस इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टमाटर की प्योरी। तो देखिए, इस मिक्सचर को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी कुटी काली मिर्च और इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तेल ये छोड़ने लगा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप यानी 50 ग्राम स्वीट कॉर्न। हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न 50 ग्राम लिया है। आप चाहे तो क्वांटिटी थोड़ी घटा सकते हैं। यहाँ हम ऐड कर दे रहे हैं पालक की प्योरी को। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है। और ये कलर रिटेन करने के लिए मैंने जितने भी स्टेप्स आपको बोले हैं, आप वो सारे स्टेप्स को फॉलो करें। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना क्योंकि पहले से ही पालक पका हुआ है। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और चीनी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 छोटा कप क्रीम। ये क्रीम हमने घर पे ही निकाला है दोस्तों। जब आप क्रीम ऐड करें, ध्यान रखें कि आपका जो गैस का फ्लेम है वो एकदम लो हो। तो अब हम क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पालक कॉर्न बिल्कुल रेडी है। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। हम यहाँ पालक कॉर्न को थोड़ा ड्राई ही रख रहे हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं पालक कॉर्न। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।